बरेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करगैना पुलिस चौकी के पीछे बने एक मंदिर में खुले आसमान के नीचे 300 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रही है ज्योति ठाकुर, जो आज अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सुभाष नगर क्षेत्र में बच्चों के साथ रैली निकाली। एक छोटे से गांव करेली में ज्योति ठाकुर रहती है और वह समाज सेवा के साथ साथ बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। एक मंदिर में बच्चों को पढ़ाती हैं जिसका कोई पैसा नहीं लेती। इसके मुख्य अतिथि नीरज पटेल, अमित, ज्योति ठाकुर, मोहित सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इस पल का सभी सनातनियों के साथ साथ पूरे देश को बरसों से इंतजार था। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 की तारीख हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज हो गई है। जी हां, सोमवार का दिन भारत के कालखंड में एक ऐसी तारीख के तौर पर याद किया जाएगा जिसमें श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।